आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर गुरु पूर्णिमा के दिन कोरोना का काल एक तरफ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शोभा यात्रा भी निकाली गई। आपको बता दें कि गोवर्धन में 464 वर्षों से चली आ रही परंपरा को मुड़िया संतों ने निभाया है। गुरु सनातन गोस्वामी की शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस प्रशासन के साय में ये शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं कोरोना के चलते ब्रिज में न मंदिर सजे और न मठ, गुरु आश्रमों की रौनक भी फीकी रही, केवल परंपराओं का सांकेतिक हो सका निर्वाहन। कोरोना संक्रमण के खतरे ने मथुरा के गोवर्धन में आस्था व श्रद्धा भक्ति की चमक भी फीकी कर दी। गुरु शिष्य परंपरा के पर्व यानी कि गुरु पूर्णिमा पर भी मंदिरों व मठों की चकाचौंध दुधिया रोशनी गायब थी तो गुरुद्वारों में भी लगभग सन्नाटा ही रहा। बता दें कि गुरु शिष्य परंपरा के पर्व मुड़िया पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गिरिराज महाराज की 7 कोसी परिक्रमा करने आते थे तथा इस विशाल राजकीय पर्व की तैयारी भी महीनों पहले शुरू हो जाती थी। राजकीय तैयारियों के साथ स्थानीय तीनों प्रमुख गिरिराज मंदिर दुधिया रोशनी से जगमगाते थे। वहीं मठों व गुरु स्थानों पर भी भव्यता रहती थी, मगर इस बार ईश्वर की दिव्यता तो यथावत थी मगर तलहटी से भव्यता गायब रही। न तो मंदिर पर ही चकाचौंध रोशनी थी, न मठों पर रौनक, गुरु आश्रम भी लगभग सूने से दिखे। तो गुरु की महत्व तो है, भगवान कृष्ण राम सब धरती पर जब आए हैं भगवान होते हुए गुरु अपनाया, गुरुकरण किए हैं, तो गुरु का मर्यादा लंघन ना हो इसलिए भगवान जगत के गुरु है भगवान, तो उन्होंने भी ये जगत में जब आए ये धरती पर आए तो उन्होंने भी गुरुकरण किए हैं। आज सनातन गोस्वामी पाद और वैष्णव जी, हमारे सनातन परंपरा में जो वैष्णव जी है उनका आविर्भाव तिथि को हम वैष्णव पूर्णिमा कहते हैं अर्थात गुरु पूर्णिमा रूप से हम जानते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा सारा विश्व में मनाते हैं लेकिन गोवर्धन में केवल मुड़िया पूर्णिमा मनाया जाता है। ये मुड़िया पूर्णिमा तब से चालू हुआ जब श्री सनातन गोस्वामी पाद को शरीर पूरा हुआ, नित्य लीला में प्रवेश हुआ था, तब समस्त ब्रजवासी एवं साधु संत समाज तदानीन्तन समय